आज बात कर रहे हैं रिप्लाई के बारे में, ठीक है। पहले ये सुन लो, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताता हूँ। ये आपके meet@swat.com, इसके अब मैं स्क्रीनशॉट्स दूंगा कि आप कैसे पैसा मांगते हो। आपका प्लेज था 1 रुपया नहीं लूंगा अपने सेशंस के लिए, लेकिन आप पैसा मांगते हो। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में आपने बिजनेस लीडर्स ऑफ ग्रोथ के लिए 75-75 लाख रुपए की आपने एड, रुपया कितना दिया। ये एक नया ही टर्न आ गया पूरी कहानी में, इस पे बात करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, जब मैंने इस पे रिसर्च की तो एक मुझे वीडियो मिला जहाँ पे ये क्लियरली पता लग रहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स में जो विवेक बिंद्रा बोल रहे हैं एड डाले है संदीप महेश्वरी ने, वो सच है। पहले आप ये वाला देख लो, ये जो एड डाला है ना, उसके बाद आगे की बात। अबे पुराना अखबार कौन रख गया अबे 20 नवंबर का है? फुल पेज एड बाय संदीप महेश्वरी, 1-on-1 बिजनेस कोचिंग फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स। क्या अपॉर्चुनिटी यार, संदीप सर से सीखूंगा 1-on-1, मजा आ जाएगा। पर संदीप सर तो पेड सेशंस वगैरह नहीं करते, उनकी तो फ्री बिजनेस सीरीज चल रही है YouTube पर। कंफर्म कर लेता हूं, वेबसाइट तो जेन्युइन है ना, पता चला एलएलए के साथ ही स्कैम हो गया। ट्रेडमार्क सर्च swat.com, एप्लीकेंट संदीप महेश्वरी, जेन्युइन एड है, वेबसाइट पर जाता है, लाखों रुपए का फ्रंट पेज ऐड और वेबसाइट डाउन, अब कैसे पता करें। अच्छा वेबसाइट चल रही थी तब, मेल आया था आपको? हाँ सर प्लीज मेल भेजो ना मुझे, मेल तो ऑफिशियल है, 1-on-1 सेशन VMS वर्चुअल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वाह, लेकिन संदीप सर के पास 2 घंटे, प्राइस देखते हैं। बाप रे, 1-on-1 जूम सेशन का 9 लाख प्लस GST और संदीप सर का ऑफिस बुलाने का 36 लाख, 1 महीने के सारे सेशन बुक एंड दिसंबर के भी भर रहे हैं। ये जो शॉर्ट बनाया है, लेबर लो एडवाइजर नाम से एक चैनल है, उन्होंने बनाया है, हम इसका क्रेडिट उनको देना चाहेंगे। अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं, आप जाके एक बार देखिएगा जरूर। तो खैर, इस वीडियो से ये चीज कन्फर्म हो गई है कि यार संदीप माहेश्वरी ने एड चलाया हिंदुस्तान टाइम्स में, राइट। और यहाँ पे जिस एड के 80-90 लाख रुपए लगते हैं, इन्होंने यहाँ पे एड चलाया और पर्सनल 1-on-1 कोचिंग के लिए यहाँ पे लोगों को बुलाया, जिसके लिए 36 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी, राइट। ये आप लोग देख सकते हैं। अब जहां तक बात रही इनकी, यू नो, ये एलिगेशन की कि ये यहाँ पे 36 लाख रुपए लेते हैं सेशन करने का, जो इन्होंने बात उठाई, उससे क्या बात निकल के सामने आती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे ये बात निकल के सामने आती है कि संदीप माहेश्वरी इस पिरामिड का यूज कर रहे हैं, राइट। संदीप माहेश्वरी इज अ वेरी स्मार्ट बंदा, वो यहाँ पे टारगेट करता है जो ऊपर बंदे बैठे ना उनपे। अब आप लोगों को भी पता है कि ये जो नीचे बंदे लेवल के बंदे हैं, ये यहाँ पे संदीप माहेश्वरी को 90-90 लाख रुपए या 36-36 लाख रुपए जो भी ये मांग रहे हैं सेशन का, वो देंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने YouTube चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, यू नो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, कंटेंट बना दिया जिससे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। अब संदीप माहेश्वरी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई क्योंकि ये फ्री कंटेंट बना रहे हैं, सब कुछ फ्री कर रहे हैं। बट उसके बाद इन्होंने पैसा मांगना शुरू किया टॉप के एग्जीक्यूटिव से, टॉप के एग्जीक्यूटिव से इन्होंने वर्चुअल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये कंपनीज की बनवाएंगे, उसका 36 लाख रुपए लेंगे। अब इन्हें भी ये पता है संदीप माहेश्वरी को कि ये जो नीचे लेवल के बंदे हैं, इनके पास इतना पैसा है भी नहीं। अगर आप किसी स्टूडेंट से कहेंगे मुझे 5 लाख रुपए दे दे, कोई नहीं देगा। और एक्चुअल में बिजनेस कंसल्टेंसी के बहुत पैसे लिए जाते हैं क्योंकि संदीप माहेश्वरी के पास नंबर्स है, बड़ा आप कह लीजिए चैनल है, अब वो बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं तो 36 लाख रुपए भी उनको मिल जाएंगे। सपोज यहाँ पे वो, यू नो, 500 बिजनेसमैन को कंसल्टेंसी दे देते हैं और मैं एवरेज में यहाँ पे कहता हूँ कि भाई वो 36 लाख रुपए नहीं ले रहे, एवरेज पर बंदों से 20 लाख रुपए ही ले रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो यहाँ पे कितना पैसा महीने का कमा सकते, राइट। इस तरीके की, मतलब जो विवेक बिंद्रा ने बात कही है 36 लाख वाली, उससे इसी बात पे इशारा होता। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कौन सही है और कौन गलत है। मुझे एक बहुत फेमस लाइन याद आती है अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की, उन्होंने ये बात कही कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, राइट। ये एक बहुत बड़ी चीज है, अगर आप इसको समझ जाओगे ना, इस कोट को, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। किसी पे भी ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करना एक बहुत अच्छी निशानी है, समझदार लोगों की निशानी है, बट उसको वेरीफाई भी कर लो बॉस, कि जो बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो क्या वो सही बोल रहा है, उसका मोटिव क्या है। हालांकि मैं संदीप माहेश्वरी के अप्रोच को गलत नहीं बताता, अगर मैं अपने व्यू पॉइंट से देखूं तो उन्होंने जो अपने लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई है वो एकदम सही है। वो यहाँ पे पैसे ले रहे हैं बड़े बिजनेसमैन से जो उनको 36 लाख रुपए दे सकते हैं, वो स्टूडेंट्स वगैरह से पैसे चार्ज नहीं कर रहे, वो यहाँ पे अपने चैनल पे, यू नो, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे, वो एक सही स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, वो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, राइट। जहाँ पे उन्हें इंस्टेंट पैसा नहीं मिल रहा, हालांकि वो अगर किसी ब्रांड से चार्ज करना चाहे 50 लाख रुपए तो उनको मिल जाएंगे क्योंकि उनका चैनल बड़ा है, बट यहाँ पे वो बिजनेसमैन वगैरह से, यू नो, ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पैसे नहीं कमा रहे, उनका भी मोटिव पैसा कमाना है और पैसा कमाने में कोई बुरी बात नहीं है, कोई शर्म नहीं है, अगर आप सही तरीके से कमा रहे हो, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। इमेजेस बाजार से भी पैसा कमा रहे हैं, राइट, क्योंकि इमेजेस बाजार में वो इमेजेस बेचते हैं जिनकी कीमत 8,000, 9,000, 20,000, 50,000, इवन लाख रुपए तक की भी उनकी इमेजेस और वीडियोस रहते हैं, वो भी वो बेचते हैं, इसमें क्या बुरी बात है, ये बिजनेस कर रहे हैं। बट साथ ही साथ संदीप माहेश्वरी जी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो यहाँ पे किसी और के बिजनेस को
को स्कैम या फ्रॉड ना बोले बगैर किसी एविडेंस, मतलब यहाँ पे विवेक बिंद्रा के आप ये समझ लीजिए कि दो तीन बंदों ने फ्रॉड का, तो पूरी कंपनी फ्रॉड नहीं हो जाती? अगर उनके पास इसका पूरा कोई पुख्ता सबूत है तो वो लोगों को दिखाए, मैं तो ये कहूंगा। मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा, उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, किसी को गलत तरीके से यू नो कोर्स बेचना भी एक तरीके का स्कैम है, लेकिन उनके पास क्या पूरा के पूरे प्रूफ है वो दिखाए लोगों को, क्योंकि एक बड़ा आपने एलिगेशन लगाया तो आपको पूरी की पूरी चीजें लोगों को शो करनी चाहिए कि देखो बॉस ये डेटा है मेरे पास, इतने हजारों लोग मेरे पास आए हैं, इनके ये सबूत है, इन्होंने इनसे कोर्स लिए, विवेक बिंद्रा ने कोर्स को सही से प्रोवाइड नहीं कराया, और यू नो वो डेटा अगर शो करे तो और ज्यादा चीज सही लगेगी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। राइट, कंटेंट अच्छा बनाते हैं कोई बुरी बात नहीं है, चलो सेशन से पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी है वो भी कोई बुरी बात नहीं है, बट स्कैम किसी को बोलना इज अ वेरी बिग थिंग। आपको फिर वो प्रूफ भी यहाँ पे आप समझ लीजिए लोगों के सामने पेश करने पड़ेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने चैनल पे एक वीडियो वापस से डालनी चाहिए जो भी एलिगेशन विवेक बिंद्रा जी ने लगाई है उन पे, उसका जवाब देने के लिए। राइट, ये भी उनको डालना चाहिए, खाली कम्युनिटी पोस्ट डाल के उनको यहाँ पे यू नो चुप नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने इस पूरे के पूरी स्टोरी को कवर किया अपने चैनल पे, दो वीडियोस ऑलरेडी बनाए थे मैंने, तो जब रिप्लाई आया बिंद्रा जी का तो मैंने सोचा इस पे भी एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि दोनों साइड की स्टोरी सुनना बहुत जरूरी है। आप किसी एक साइड की स्टोरी सुन के किसी को गलत बोल दो वो भी गलत है। राइट, कंटेंट क्रिएटर तो देखो दोनों ही बढ़िया, संदीप भाई भी अच्छा वीडियो बनाते हैं, विवेक बिंद्रा जी भी अच्छा वीडियो बनाते हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। कोर्स अगर वो सेल कर रहे हैं बिंद्रा जी तो कोर्स सेल करने में कोई स्कैम नहीं है, बट अगर बिंद्रा जी की टीम में कोई गलत बोल के कोर्स सेल कर रहा है तो वो गलत चीज है, उनको वो चीज पकड़नी चाहिए और ऐसी चीजों को बंद करना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने सेशन में बोला कि आईबीसी का प्रोग्राम जो है उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो अब उनको वो देखना चाहिए कि भाई आईबीसी में जिन स्टूडेंट ने एनरोल किया क्या उनको रिजल्ट मिले नहीं मिले, अगर रिजल्ट नहीं मिले तो उनके पैसे वापस कर दो। राइट, ये एक अच्छी अप्रोच है क्योंकि ऑलरेडी उनका बिजनेस करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहा है, 170 करोड़ रुपए का टर्नओवर की खबर आ रही है मार्केट में कि ऑडिट हुआ है और 170 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, तो जिस बिजनेस का 170 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है साल का, उसकी यहाँ पे यू नो आप कह लीजिए कि नेटवर्थ या फिर यू नो क्रेडिबिलिटी तो हजारों करोड़ रुपए में होगी, तो कुछ करोड़ रुपए अगर आप दे भी दोगे स्टूडेंट को जिनका रिजल्ट नहीं मिला है, या फिर आप देखो कि उन्होंने कितना कोर्स किया है या नहीं किया है, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। राइट, बट यहाँ पे जो अभी के अभी ट्विस्ट निकल के सामने आया है वो एक बहुत बड़ा है कि भाई बंदा यहाँ पे चार्ज कर रहा है 36-36 लाख रुपए, और उनकी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी। हालांकि जो रिप्लाई विवेक बिंद्रा की तरफ से आया है इसमें काफी सारी और बातें कही गई है, आप लोग देख लेना। बड़ी बड़ी बातें यही थी कि विवेक बिंद्रा बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम थी, मेरी कंपनी से प्रॉब्लम थी, तो मुझसे पूछ लिया करते, फोन कर लेते, इतना स्कैम वगैरह करके इतना मार्केट में ये सब करने की क्या जरूरत थी। ये बात आप किसकी तरफ है अभी यू नो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, कौन आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हो सकता है आपको दोनों सही लग रहे हो सकता है कोई एक लग रहा हो, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं इस चैनल पे पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं, तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।